हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 9th अलजेब्रा लेसन नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रैक्टिस सेट 4.5। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सो अब आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी, मीन्स ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है एंड ए बी सी इज ग्रेटर देन 0, देन सो दैट ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन में क्या दिया गया, देखो यहाँ पे दिया गया हमको ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या क्या गया है, ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट इंटू बी माइनस सी, ये हमको दिया गया। तो क्या करो, देखो ए का मल्टीप्लाई बी माइनस सी में करो, ए का मल्टीप्लाई बी माइनस सी में किया, प्लस ये b का बी मल्टीप्लाई बी माइनस सी में करो, b का मल्टीप्लाई b माइनस सी में किया, प्लस c का मल्टीप्लाई भी b माइनस सी से करना है, b माइनस सी से करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a में b का मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस b में c का मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी प्लस सी बी, या बी सी बी बोल सकते हो, सी बी भी बोल सकते हो, और यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखो यहाँ पे माइनस बी सी है, यहाँ पे प्लस बी सी है, तो ये माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो सकता है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, हमको लाना क्या है, ए बी माइनस सी स्क्वायर लाना है। तो ए बी हमारे पास यहाँ पे है और यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये पार्ट को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो इसको लिख लो ए बी माइनस ए सी प्लस, यहाँ पे देखो ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए सी माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये देखो माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर, यही तो दिया गया हमारे राइट हैंड साइड में, प्रूफ हो गया ये, समझ में आया। तो आइए फिर से देखते हैं, देखो ए का पहले मल्टीप्लाई कर दो बी माइनस सी में, बी का मल्टीप्लाई किया बी माइनस सी में, एंड सी का मल्टीप्लाई किया बी माइनस सी में। तो ए में बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी, ए में सी का मल्टीप्लाई किया तो ए सी, बी में बी का मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, बी में सी का मल्टीप्लाई किया बी सी, फिर यहाँ पे बी में सी का मल्टीप्लाई किया तो बी सी भी लिख सकते हो, सी बी भी लिख सकते हो, माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस बी सी है, यहाँ पे प्लस बी सी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो जो रिमेनिंग बच रहा है उसको लिख लो ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ए बी माइनस सी स्क्वायर, मतलब ये पार्ट को कैंसिल करना है, तो बी स्क्वायर को हम लोग ए सी लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। इसको आप लोग चाहिए तो के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम लोग उसको के मेथड से सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी इक्वल टू के। तो यहाँ पे देखो b का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू बी के बनेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे ये तो a बाय बी किए, अब b बाय सी कर दो, b बाय सी इक्वल टू के करेंगे हम, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, b इक्वल टू सी के बन जाएगा। अब ये जो b इक्वल टू सी के बना है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं, a इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, सी के इंटू के, सो दैट a की वैल्यू हो जाएगी सी के स्क्वायर। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, सी के स्क्वायर, और b की वैल्यू आ गई सी के। इसको ध्यान में रखते हुए हमको k मेथड से इसको
सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड ले करके राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट इनटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर है, मीन्स बी की वैल्यू क्या दिया गया है सी के का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा इनटू बी स्क्वायर क्या है सी के का स्क्वायर बनेगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दोगे देखो ये सी का ये स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर के का पावर कितना हो जाएगा 2 × 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन लेना है, यहाँ पे सी स्क्वायर के पावर 4 है और यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करोगे सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लो। जब इसको कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा k का पावर 2 बचेगा, देखो यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे k का पावर 2 बचेगा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। और इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे भी बचेगा k स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया k स्क्वायर प्लस 1, तो हम लोग तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सी स्क्वायर के स्क्वायर में सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा सी पावर 4 के स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो के स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है, के स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है, इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में क्या दिया गया देखिए ए बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बी को कॉमन ले लेते हैं, बी को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा ए प्लस सी द होल स्क्वायर बचेगा, तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, इसको बाहर लिख लो और ये लिख लो ए प्लस सी द होल स्क्वायर। देखो ए प्लस सी का भी स्क्वायर है बी का भी स्क्वायर है, हमने बी स्क्वायर को बाहर लिख, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास सी के, बी की वैल्यू क्या है सी के है, तो सी के का स्क्वायर हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर बन जाएगा, मतलब दोनों का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इंटू का साइन लगा दो, ये देखो ये जो सी है और ये जो सी है ये सी को बाहर लेके आओ, जब बाहर लेके आओगे तो ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है के स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर बचेगा, मीन्स ये सी वाला सिर्फ हम बाहर लेंगे और इसका स्क्वायर करके बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सी का पावर 4 के का पावर 2 और यहाँ पे बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो यही देखो यहाँ पे भी आया है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो इसको कर दो इक्वेशन 1, इसको कर दो 2, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 and 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट इनटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हमने प्रूफ किया, तो देखो यहाँ पे a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू के है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी a बाय बी इक्वल टू के अगर हम पुट करेंगे तो b से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो सड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी के आ जाएगी, और यहाँ पे b बाय सी इक्वल टू के अगर करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी सी के, तो ये देखो बी की वैल्यू जो सी के है वही वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे, तो बी के जगह पे सी के रखा यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू सी के स्क्वायर, मीन्स अभी हमको ए की वैल्यू सी के स्क्वायर बी की वैल्यू सी के एंड सी की वैल्यू सी रहेगी।
तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू पुट किया यहाँ पे, बी की वैल्यू पुट किया यहाँ पे भी, बी की वैल्यू पुट किया और यहाँ पे सी की वैल्यू पुट किया। तो अब यहाँ पे ध्यान दोगे सी का स्क्वायर हो जाएगा के का पावर फोर हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर और यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी सी स्क्वायर और के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे सी स्क्वायर के स्क्वायर जो है कॉमन ले लेंगे। जब सी स्क्वायर के स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा सिर्फ के स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा वन इंटू यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस वन। जब यहाँ पे देखो कि के स्क्वायर प्लस वन इधर भी है, के स्क्वायर प्लस वन इधर भी है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, नहीं तो हम लोग कॉमन ले लेते। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ये जो है ये पार्ट है और ये पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी स्क्वायर में सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ तो सी का पावर फोर और यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा। और यह देखो यहाँ पे वन टाइम में है, ये वन टाइम है, ये वन टाइम है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी तरीके से राइट हैंड साइड भी लेना है तो इसमें से क्या करोगे बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे ब्रेकेट के बाहर तो बी स्क्वायर बन जाएगा। बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है देखो बी का क्या वैल्यू है सी के स्क्वायर और ए की वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें से सी बाहर निकाल दो, जब सी बाहर निकलेगा यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो सी स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे के स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखो के स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वैसे लिखना है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वही प्रूफ करना है। तो के स्क्वायर प्लस वन ऐसे आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो सी फोर के टू आ जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग करते हैं थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी, मतलब इसको हमको इस तरीके से लाना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसा कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर टू के लिए किया था वही वाला हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये हमको दिया गया है। अब इसको यहाँ पे के मेथड से हमको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू पुट कर दो क्या है सी के स्क्वायर द होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर है, ए की वैल्यू सिर्फ हमारे पास ये है और बी की वैल्यू क्या बनेगी सी के द होल स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है सी के, यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर के का पावर फोर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये वाला सी स्क्वायर के का पावर फोर और यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर। और यहाँ पे देखोगे इसमें से अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनेगा सी स्क्वायर बन जाएगा और के का पावर थ्री होगा। तो हम लोग इसको कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं सी स्क्वायर के स्क्वायर को कॉमन ले लो तो रिमेनिंग क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस वन अपॉन, देखो यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा तो मतलब वन बचेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर ले लेगा तो यहाँ पे के का पावर टू बचेगा। अब यहाँ पे इसको क्या करो सी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पे भी ले लो सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के, हम लोग लिख सकते हैं इसको। देखो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के, ये हमारा आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम लोग राइट हैंड साइड का करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया गया देखिए ए प्लस सी अपॉन बी, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो ए, ए की वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर प्लस सी अपॉन में, बी की वैल्यू क्या है सी के है, देखो बी की वैल्यू सी के है, ए की वैल्यू सी के स्क्वायर है। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा इसको मैं ऐसा लिख दूं सी इंटू के और इसमें से कॉमन निकाल लूं, सी कॉमन निकालने के बाद में क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस वन, देखो यहाँ से सी गया तो यहाँ पे वन और यहाँ पे सी से कॉमन निकाल दिया तो के स्क्वायर आ जाओ तो ये सी कैंसिल हो जाओ तो यहाँ पे भी क्या आएगा के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम वन एंड
टू क्या दिया गया हमको, यहाँ पे लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन। तो सबसे पहले देखिए ये तो हमको पता है, जब ये पता है इसमें इसकी वैल्यू पुट करोगे तो सी के स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर अपॉन सी के स्क्वायर इन टू सी के हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी कितना है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है तो सी टू हो जाएगा, और के टू है और यहाँ पे वन है तो के थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे सी का पावर टू के का पावर फोर बन जाएगा, और यहाँ इससे हो जाएगा सी का पावर टू के का पावर टू। तो सी का पावर टू के का पावर टू कॉमन ले लिया, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, के का पावर टू प्लस वन, और यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर लिख करके इंटू के कर सकते हो, के का पावर थ्री है तो के का पावर टू इंटू के कर सकते हो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के, ये वन आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड में ए प्लस सी अपॉन बी है, तो ए की वैल्यू पुट किया प्लस सी वैसे रहेगा, और बी की वैल्यू पुट कर दिया सी के। अब इसमें से सी कॉमन निकाल दो और इसको लिख लो सी इंटू के, सी से सी कैंसिल हो गया, के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्या दिया गया देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मीन्स इसका मीन प्रोपोर्शन का मीन्स क्या हो गया मालूम है, ये ए की और ये सी की वैल्यू दी गई, हमको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज बी। मतलब हमको बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग ने इसको बी ही सपोज कर लिया ताकि वो डायरेक्ट आ जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। तो देखो बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख दो, ए की वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू ए सी, मतलब सी का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख लो बी स्क्वायर है, यहाँ पे लिख लो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू, यहाँ पे देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। तो इसमें लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बनेगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से देख सकते हो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखो एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, मतलब टू टाइम है, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे फोर इंटू फोर रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फोर द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे स्क्वायर लिखे, अब यहाँ पे देखो सबका स्क्वायर है, बट हमको क्या चाहिए, यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। अब इसका सबका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो बी हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट में स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सबका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई हमारी। तो यही लिख दो द मीन प्रोपोर्शन इज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। सो दोस्तों देखिए कितना इजी था, ये हम पहले ये ए सपोज करते हैं, ये बी सपोज करते हैं, और हमको बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स मीन प्रोपोर्शन जो हमने बी रख दिया, तो हमको पता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो सब सेम रहेगा,
सिर्फ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे ये इसका स्क्वायर बन जाएगा और ये वैसे का वैसे ही लिखना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे ये प्रैक्टिस है कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।